नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो फ्रेंड, यहाँ पर आज के इस वीडियो में मैं तीन अलग अलग कंपनियों के रिक्रूटमेंट की जानकारी को लेकर हाजिर हूँ। इन तीन कंपनियों में अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए रिक्रूटमेंट, जैसे कि डिप्लोमा, ITI, BTEC, इन सभी के लिए रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर तीनों काफ़ी अच्छी कंपनी है और एक अच्छी रिक्रूटमेंट यहाँ पर होने वाली। तो अगर आप ITI, डिप्लोमा और BTEC कैंडिडेट्स हैं और जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं, जॉब करना चाहते हैं, तो यहाँ पर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वन बाय वन हम तीनों कंपनी के बारे में डिटेल से बताएंगे किस तरह से आपको अप्लाई करना है। उसके रिगार्डिंग मैं आपको मोबाइल नंबर, GMAIL ID और क्या कंपनी का एड्रेस है, इन सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए आइए फ्रेंड, यहाँ पर हम पहली कंपनी की बात करते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है सुजुकी मोटर गुजरात प्राइवेट लिमिटेड, जिसका कि एड्रेस हंसलपुर ज़िला अहमदाबाद में है। यहाँ पर ITI पास के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। जैसा कि आप जानते हो फ्रेंड, ये कंपनी जो ITI के लिए रिक्रूटमेंट निकालती है, ये ओनली कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकालती है और यहाँ पर 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट बेस होता है। और उसके बाद जो 7 महीने आपके पूरे हो जाएंगे, तो आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको दोबारा भर्ती कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर जॉब अच्छी है और सैलरी भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर परमानेंट जॉब नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको बहुत अर्जेंट है तो ही आप इसे ज्वाइन करें, क्योंकि तो ये आपकी परमानेंट जॉब नहीं है, ना ही आप कंपनी बेस होंगे। और यहाँ पर फ्रेंड जो सैलरी बताई गई है वो 17,500 रुपये आपकी CTC बताई गई है। और यहाँ पर फ्रेंड जो आपके कुछ क्वालिफिकेशन बताया गया है कि यहाँ पर ओनली मेल कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक बार 10+ ITI होना चाहिए। 10th में मार्क्स मिनिमम 55% और ITI में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। और यहाँ पर अगर आपने अपनी ITI पास कर रखी है SCVT या NCVT से, तो आप एलिजिबल हैं। गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर रखी है तो भी आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर फ्रेंड काफ़ी ट्रेड हैं, लगभग लगभग सभी ट्रेड हैं, जैसे कि फिटर, टर्नर, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, टूल एंड डाई मेकिंग, मशीनिस्ट, ट्रैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, प्लास्टिक प्रोसेसर ऑपरेटर, COE, ऑटोमोबाइल। तो इन सभी ITI ट्रेड से कनेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आपकी एज मैक्सिमम 23 होनी चाहिए, यानी कि 22 साल 10 महीने, यानी कि 23 साल भी से भी थोड़ा थोड़ा कमी होनी चाहिए आपकी एज। तो अगर आपकी एज 18 से 23 के बीच में, तो आप एलिजिबल हो। यहाँ पर ITI पास आउट सेशन की जो बात बताई गई वो 2016, 2017, 2018, 2019, यानी कि अगर 16 से लेकर 19 तक के बीच में आपने, या 16 से लेकर 2019 तक में आपने ITI कर रखी, तो आप एलिजिबल हैं, आपकी फटाक से ज्वाइनिंग हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी ऐसा कोई खास इंटरव्यू नहीं होना है। तो यहाँ पर बताया गया है वे सभी छात्र जिन्होंने पूर्व में किसी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में काम किया है, वो इस जॉब के लिए अयोग्य हैं। यानी कि अगर आप काम कर चुके हो तो आपको अपना एक्सपीरियंस नहीं दिखाना है, आपको एज ए फ्रेशर ही दिखाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड बताया तो गया है कि आपका मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ये सब होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो सकती है, बट आपको करना क्या है कि आपको मैं एक मोबाइल नंबर दिए दे रहा हूँ और ईमेल ID, इस पर कॉल करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन ले लेनी है। तो फ्रेंड ये तीन मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, इन पे संपर्क करके आप अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हो, सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर ये ईमेल ID दी हुई है, इस पर आप अपना अच्छा सा प्यारा सा रिज्यूमे बनाकर सेंड कर सकते हो। तो ये थी पहली कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पर हम दूसरी कंपनी के बारे में जान लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर दूसरी जो कंपनी वो JP ग्रुप उत्तराखंड की कंपनी है। जैसा कि जानते हैं JP ग्रुप के बारे में आपने नाम सुन रखा होगा, एक अच्छी कंपनी। यहाँ पर क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर ITI और डिप्लोमा के कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है। अगर आपने अपनी ITI पास कर रखी है सिविल सर्वेयर से, या फिर ITI ड्राफ्टमैन सिविल से, या फिर आपने अपना डिप्लोमा कर रखा है सिविल ट्रेड से, तो आप एलिजिबल हैं। यानी कि ITI की जो ट्रेड होती है सर्वेयर और ड्राफ्टमैन सिविल, इन दोनों ट्रेड के कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट शूट के, NCVT या SCVT के एलिजिबल हैं। और डिप्लोमा आपका सिविल ट्रेड से होना चाहिए। एज लिमिट फ्रेंड यहाँ पर आपकी 18 से 26, यानी कि मैक्सिमम 26 साल तक आपकी एज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर सैलरी फ्रेंड लगभग 13,000 तक बताई गई है। और यहाँ पर कंपनी बेस पर जॉब है, यानी कि आप इस कंपनी को ज्वाइन करेंगे तो कंपनी बेस पर होंगे, आप परमानेंट नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप कंपनी बेस पर होंगे, इन फ्यूचर आप परमानेंट हो सकते हो। तो यहाँ पर फ्रेंड अगर आप इंटरेस्टेड हो और यहाँ पर इस कंपनी में जॉब करना चाहते हो, यहाँ पर हमने ये आपको ईमेल ID दे रखी है, इस ईमेल ID पे आपको अपना रिज्यूमे सेंड कर देना है। उसके बाद आपका जैसे ही रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट होगा, आपके पास कॉल आ जाएगी और आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। तो अब फ्रेंड यहाँ पर हम तीसरी कंपनी के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कारमेटेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और यहाँ पर अर्जेंट ओपनिंग फॉर द पोजिशन ऑफ रिपेयर टेक्नीशियन की यहाँ पर जॉब है। तो अगर आप के पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर किस बारे में बात की जा रही है।
और यहाँ पर फ्रेंड आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए रिक्रूटमेंट है। तो अगर आपने अपनी आईटीआई पास कर रखी है इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ट्रेड से, और या फिर आपने डिप्लोमा या बीटेक कर रखा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड से, तो आप एलिजिबल हो। बात करें अगर सैलरी की, तो 12,000 से 18,000 रुपये तक यहाँ पर सैलरी हो सकती है, मैक्सिमम 18 तक भी आपकी सैलरी हो सकती है। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है तब भी एलिजिबल हो। अगर आपके पास मैक्सिमम 4 साल तक का या 1, 2, 3 या 4 साल का एक्सपीरियंस है तब भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो फ्रेंड अगर आप यहाँ पर आईटीआई डिप्लोमा कैंडिडेट्स में जॉब सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इस कंपनी में आप इस तरह से यहाँ पर जॉब सर्च कर सकते हो। तो ये फ्रेंड एक ईमेल आईडी दी जिस पे आपको अपना एक अच्छा सा रिज्यूमे सेंड करना है, साथ ही ये आपका एक मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर कॉल करके आप अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो, क्या क्या कैसे होना है, आपको कैसे आना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड ये कुछ एड्रेस दिया हुआ है जो कि कंपनी का है, जिससे कि आप आसानी से पहुँच सकते हो। क्वारमेटिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, टलेरा वेयर हाउस, गेट नंबर 1304/1, ओल्ड 2326, प्रॉपर्टी नंबर 01/0253, नियर फोर्ड सर्विस सेंटर। तो यहाँ पर ये पुणे महाराष्ट्र की यहाँ पर कंपनी है, और यहीं पे आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो फ्रेंड यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास 3 कंपनी की आपके लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।